हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ असैन यू थिंक टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने किसी टेक्निकल चीज़ें के किसी टेक चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, किसी कंप्यूटर या फ़ोन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं यूट्यूब के बारे में कुछ बताने वाला हूँ आज। जैसे साथ के साथ मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरा जो भाई है, छोटे भाई है, या जो भी नया यूट्यूबर आ रहा है जो वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते, मैं सिखाने चाहता हूँ। जो नया स्टूडियो आया यूट्यूब का, जो नया स्टूडियो बिठा है, उसमें एक वीडियो कैसे अपलोड करना होता है, मैं बस प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। वैसे मैं बता दूं, मेरा जो एक चैनल पे प्रैक्टिकल यूट्यूब प्रैक्टिकल गाइडेंस, एक ऐसा चैनल ऊपर जो आप देख सकते हो आई कार्ड में, एक प्लेलिस्ट है, वो चेक कर लेना। उसमें मैंने कुछ यूट्यूब की चीज़ें मैंने बताया हुआ है, वो शायद आपको हेल्प कर सकता है। और मुझे लगता है कि हेल्प कर सकता है, मुझे फ़र्ज़ बनता है। मैं चाहता हूँ अगर हर कोई आता है तो यूट्यूब में वो कुछ ग्रो करे, कुछ चीज़ें करे, यूट्यूब में एक्टिविटी करे, हमारे इंडिया की नाम रोशन करें, हम इंडिया से और भी ज़्यादा यूट्यूबर आएँ, और भी ज़्यादा क्रिएटर बने, और भी ज़्यादा यूट्यूबर हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं सिखाना चाहता हूँ कि कैसे स्टूडियो बीटा पे यूट्यूब वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन पर जाकर सिंपल तरीके से आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा बग बिना करके चाहता हूँ कैसे करना होता है दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो फ़ोन के स्क्रीन पे जाके देखते हैं कैसे अपलोड कर सकते हो। तो फ़ोन और या लैपटॉप कंप्यूटर से आप अपलोड कर रहे हो, सेम चीज़ ही हो गया, लेकिन फ़ोन पे फास्ट ऑफ ऑल आपको डेस्कटॉप मोड करना होता है। तो मैं फ़ोन के स्क्रीन पे जाके बताता हूँ सब कुछ। ठीक है, चलो फ़ोन के स्क्रीन पे जाके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, नया जो यूट्यूब स्टूडियो आया है उसमें कैसे वीडियो अपलोड करना होता है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, आप भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो। मेरे फ़ोन से सिखा रहा हूँ मैं कैसे करना है। डेस्कटॉप पे भी सेम ही होगा, बस इसमें एक प्रॉब्लम होता है। तो मैं टैब ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब में टैब करूँगा, सबसे पहले यूट्यूब खोल लूँगा। तो फिर मैं डेस्कटॉप मोड में करूँगा यहाँ पे। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आप देख सकते हो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे करना। यहाँ पे कोने में टैब करूँगा मैं, जहाँ पे प्लस के आइकन बना हुआ, उसमें फिर अपलोड वीडियो पे जाऊँगा। ठीक है, अपलोड वीडियो पे जाने के बाद देखना अपना इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। मेरा नेट का स्पीड थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि आज कल रात को यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हुआ था। अब देख लेना, फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा इंटरफेस आएगा कुछ जैसे आपका। पहले तो ऐसा आता था कि टाइट में आता था, तो मैं हमेशा इसमें अपलोड करता हूँ अभी, और शायद आज से पुराना वाला टोटली बंद कर दिया होगा, तो अभी ऐसा आ रहा है। तो मैं सिलेक्ट वीडियो में टैप करूँगा, या पे फिर आपका फ़ोन होगा तो ऐसा आएगा। मैं फाइल्स में जाता हूँ, जो मेरा वीडियो बना हुआ है, जो ये देखो मैं प्रोसेसर वाला ही वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें टैप कर दूंगा, 424 MB का है। बाकी उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे करना होता है। देखो उसके बाद जैसे मैं डिस्क्रिप्शन पे इसको, मैं ये जो मेरा टाइटल है इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके मेरा डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। मैं पहले मैंने डिस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन, अगर इसको पता नहीं है आप मुझे ज़रूर बताना, मैं वीडियो बना दूँगा और मेरे प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूँगा। आपके आई बटन में अभी एक प्लेलिस्ट आ रहा है, वो आप चेक कर लेना, ज़रूर आपको काम आएगा। तो मैं इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया। बाकी उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लिखना है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं तो वैसे कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ, मेरा जो कीप नोट्स है उसमें सारा कुछ होता है, डिस्क्रिप्शन में बना के रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सारा कुछ पहले बना के, आप भी सारा कुछ रेडी कर लेना, बस आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना काम है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ये देखो भाई, सब कुछ का क्रेडिट देना चाहिए। मैंने जो मेरा बैकग्राउंड वाला मैंने यूज़ किया था म्यूज़िक, उसका मैंने क्रेडिट दे दिया, हर चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए भाई, मैं देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा पेस्ट हो गया। मैं यहाँ पे नीचे हैशटैग लगाऊंगा, हैशटैग में थोड़ा सा स्पेस देके मैं हैशटैग GPU, ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हैशटैग लगा के दोबारा, क्या लगाओ, GPU वर्क एक्सप्लेन EXPLAIN एक्सप्लेन। ठीक है, तो हो गया ये डिस्क्रिप्शन में काम हो गया। उसके बाद थंबनेल ऐड करने के लिए यहाँ पे टैप करना है, फिर मैं ब्राउज में जाऊँगा कौन सा थंबनेल देना है। तो मैंने ये जो बनाया है इसको टैप करूँगा, थंबनेल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, आप देख पा रहे हो। उसके बाद प्लेलिस्ट में, अगर कोई प्लेलिस्ट में देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में दूंगा टैग फायर ऑल वीडियोज़, फिर डन कर दूंगा। फिर उसके बाद आता है सबसे बाद, आप लोग बोलोगे टैग कहाँ डालना है। टैग डालने के लिए मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो मोर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखो पेड प्रमोशन टैग सब टाइटल एंड मोर,
तो इसमें मोर पे टाइप करना है आपको। मोर पे टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो, मैं छोटा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे टैग के ऑप्शन है, बाकी सारा ऑप्शन वगैरह आपको कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हो वहाँ पे। तो इसमें टैग में टैप कर लेता हूँ, मैं मेरा टैग कॉपी कर लेता हूँ, पहले जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं कुछ दिन बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐप है जो आप एंड्रॉइड में यूज़ कर सकते हो, वो यूट्यूब के लिए देख लेना आप। तो मैं जाता हूँ, मेरा इसमें यहाँ पे मैं टैग्स भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सीडेंट अलाउड, तो मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं यहाँ पे दो टैग हटा देता हूँ, ठीक है। एक टैग हटाने के बाद ही सही हो गया, बाकी मैं उसके बाद और क्या डालना होता है मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको सारा कुछ इस साइड में हो गया, अब वीडियो एलिमेंट्स में जाना है। जब ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे देखो, पब्लिश नाउ पे यहाँ पे इसको कर देना, फिर पहले पेज में जाना, हम देखते हैं क्या क्या आ रहा है वहाँ पे। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। इस पेज में आपको ऐड स्क्रीन, जो एंड स्क्रीन होता है वो भी अपलोड कर सकते हो आप। उसके बाद जो ऐड कार्ड है वो भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे तो पब्लिश में आ जाएगा, जब ये फुल अपलोड हो जाएगा। मेरा अपलोड हो रहा है वैसे, नीचे 30% हुआ है, तो मेरा टाइम लगेगा, बस इतना ही बताना था। तो ऐड स्क्रीन में जो एंड स्क्रीन है वो कैसे ऐड करता है वो सबसे बाद में मैं दिखा दूँगा, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, बाकी आप देख ही लेना, मैं एंड स्क्रीन वाला कैसे करना था वो सिखा दूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है कैसे अपलोड करना होता है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो भाई के लिए वीडियो को लाइक कर देना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो मुझे कमेंट में बताना, कि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक बड़ा यूट्यूबर हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 1 साल पहले एक चैनल था मेरा, वो भी बंद हो चुका है कुछ कारण से। उसी चीज़ से जहाँ पे ठुकर गया था ना, वहीं से सीखते रहते हैं। तो इससे 2-3 साल पहले एक मेरा चैनल था, उसमें कुछ हुआ था, तो उससे मुझे सीखने मिला। 2 चैनल बंद हुआ है मेरा, तो थोड़ा सा ग्रो अप होने वाला था वो चैनल, लेकिन मैंने ठोकर करके बंद हो गया। कैसे हो गया था, क्यों है, वो चीज़ें आगे बताऊंगा मैं कभी, लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमेशा के लिए बताना चाहता हूँ, ऑलवेज कीप इन माइंड वुमेन सेफ्टी एंड मेंस्ट्रुअलिटी। बाय बाय।